मीनिंग ऑफ परसेंट, मीनिंग ऑफ परसेंट, परसेंट इज पर हंड्रेड, पर हंड्रेड, पर हंड्रेड। और जो इसको सैम्बल जो डिनोट करते हैं वो होता है परसेंट दिस साइन, और इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना होता है तो वन अपॉन में हंड्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन को और डेसिमल को कन्वर्ट करना पड़ता है परसेंटेज में, तो उससे उसके लिए हंड्रेड से हंड्रेड परसेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल में 0.035 इक्वल्स टू 0.035 इंटू हंड्रेड परसेंट, तो ये हमारे इसमें परसेंटेज बन गया आएगा 3.5%। और दूसरा पॉइंट जो होता है, जो हमें परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रैक्शन में और उसमें साइन को रिमूव करना किया जाता है और उसमें डिवाइड किया जाता है हंड्रेड से। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 150% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 150 अपॉन में हंड्रेड इक्वल्स टू 1.5, 0.0 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1.5, ये फ्रैक्शन में हमारा वैल्यू होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वाई परसेंट ऑफ एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका होता है एक्स इंटू वाई बाई हंड्रेड। और अगर एक्स वन जो है वो इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है टू एक्स टू, तो परसेंट इंक्रीज जो होगा, वो होगा हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स वन इंटू हंड्रेड परसेंट। और जब परसेंट डिक्रीज करेगा तो हमारा वैल्यू होगा एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन में एक्स वन इंटू हंड्रेड परसेंट। कुछ टर्म्स हमें याद रहने चाहिए जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में यूज़ होगा। जो परसेंट जैसे 100% है, 100% है, इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए वन डायरेक्ट होता है इसको, ये तो सबको पता होगा। 1/2 को अगर परसेंट में लिखना है तो 50%, और अगर 50% को फ्रैक्शन में लिखना है तो 1/2। अगर 33.33% को फ्रैक्शन में लिखना है तो होगा 1/3। अगर 25% को फ्रैक्शन में लिखना है तो हमारा होगा 1/4। और 1/5 को अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज में लिखना है तो 20% होगा। ये जो टर्म्स है ये सारी हमें याद होने चाहिए, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में यूज़ होता है ये सारे टर्म्स। और 1/7 का होता है 14.2857%, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये CI में भी यूज़ होता है और ये हर जगह यूज़ होता है, परसेंट में भी यूज़ होगा, CI में भी यूज़ होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो याद रहना ही चाहिए और एक ये टर्म याद रहना चाहिए। और हमारे पास है 1/8 इक्वल्स टू 12.25%, ये याद रहना चाहिए, फ्रैक्शन को परसेंट में या परसेंट को फ्रैक्शन में। 1/11 इक्वल्स टू होता है 9.09%, और 1/9 होता है 11.11%, और 1/13 जो होता है वो होता है 7.6923%।